आ रहा है इंडिया का सुपर हीरो क्रिस फोर। ऋतिक रोशन ने दिया बड़ा बयान। किक फिल्म के 5 ईयर कंप्लीट होने पर किक 2 पर हुआ बड़ा खुलासा। जल्द ही सलमान खान दिखेंगे डेविल के अवतार में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफ स्टार न्यूज। आने वाले दिनों में हमें बॉलीवुड में कई सारे सीक्वल देखने को मिलेगी, जैसे सलमान खान की दबंग 3, वरुण धवन की स्ट्रीट डांसर 3D, हाउसफुल 4 जैसी कई सारी सीक्वल फिल्में बन रही है। लेकिन इसके बीच क्रिस 4 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल ही ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन ने उनके बेटे के जन्मदिन के मौके पर क्रिस 4 का अनाउंस किया था, लेकिन फिर राकेश रोशन का सामना कैंसर से हुआ और फिर बॉलीवुड में अटकलें शुरू हो गई थी कि अब क्रिस 4 नहीं बनेगी, क्योंकि राकेश रोशन की तबीयत बहुत ही खराब थी और इसके कारण क्रिस 4 न बनने को लेकर मीडिया में काफी अपडेट्स आई थी। लेकिन आपको बता दूं कि इंडिया का सुपर हीरो क्रिस जल्द ही क्रिस 4 में धमाल मचाने के लिए आ रहा है। जय सुपर 30 की जबरदस्त सफलता के बाद एक इंटरव्यू के दौरान ऋतिक रोशन को क्रिस 4 फिल्म के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इस फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट दी है। दरअसल सबसे पहले आपको बता दें कि क्रिस 4 जरूर बनने वाली है, क्योंकि उसकी जानकारी खुद ऋतिक रोशन ने दी है, जहां उन्होंने कहा है कि क्रिस 4 फिल्म बन नहीं हुई और ये फिल्म पक्का बनने जा रही है। और फिर ऋतिक रोशन ने खुलासा किया कि फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है और फिल्म की कहानी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और फिर जब आगे पूछा गया कि क्या ये फिल्म आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की बच्चन पांडे से क्लैश होगी कि नहीं, तो उस पर ऋतिक रोशन ने कहा कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कौन सी फिल्म करता हूँ। अगर मैं अगली फिल्म क्रिस 4 करूंगा तो ये फिल्म अगले साल रिलीज हो जाएगी। अगर क्रिस 4 से पहले मैं कोई दूसरी फिल्म करूंगा तो क्रिस 4 रिलीज हो सकती है 2021 में। लेकिन ऋतिक रोशन के तो हर फैंस चाहते हैं कि अगली फिल्म क्रिस 4 हो, क्योंकि ये फिल्म का पिछले काफी समय से इंतजार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि क्रिस 4 जरूर बनने वाली है। 2020 या 21 में हमें ऋतिक रोशन क्रिस के अवतार में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कितने एक्साइटेड है क्रिस 4 को लेकर वो हमें कमेंट करें। सलमान खान की फिल्म किक कौन भूल सकता है। ये 2014 को ईद पर रिलीज हुई ये फिल्म ने सिर्फ इंडिया में 200 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था और ये फिल्म सलमान खान के करियर की पहली 200 करोड़ी फिल्म थी। और किक फिल्म में सलमान खान के देवीलाल सिंह और डेविल दोनों कैरेक्टर को दर्शक ने काफी पसंद किया था। और आज किक फिल्म के 5 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि किक फिल्म रिलीज हुई थी 25 जुलाई 2014 को और 5 ईयर कंप्लीट होने पर साजिद नडियाडवाला ने ये फिल्म पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जो उन्होंने कहा है कि किक 2 की शुरुआत 2020 से शुरू हो जाएगी, यानी कि ये फिल्म 2020 की एंडिंग या फिर 2021 की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिल सकती है। इसमें कोई शक नहीं होगा कि किक 2 फिल्म के लिए हर कोई एक्साइटेड होगा। और भी साजिद नडियाडवाला ने ये फिल्म पर बयान दिया है कि किक 2 फिल्म की स्टोरी पर कामकाज कंप्लीट हो चुका है और जल्दी हम ये फिल्म की शूटिंग को लेकर लोकेशन पर कामकाज शुरू करने वाले हैं और इसके बाद ये फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि किक 2 का प्री प्रोडक्शन कामकाज शुरू हो चुका है और किक 2 फिल्म 2020 में धमाल मचाने के लिए रेडी है। फिलहाल बात करें मैं फिल्म की, तो ये फिल्म में सलमान खान के साथ जैकलिन नजर आएगी और इसके अलावा भी नई स्टार कास्ट ऐड होने वाली है। हालांकि इसको लेकर अभी तक खुलासा नहीं हुआ, लेकिन जल्दी उस पर खुलासा किया जाएगा। तो फिर सलमान को डेविल के अवतार में देखने के लिए आपको 2020 तक इंतजार करना पड़ेगा। आप कितने एक्साइटेड है किक 2 को लेकर वह हमें कमेंट करें। ये न्यूज पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए एफ स्टार न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें।